रादौर के गांव जठाना में बने सब यार्ड के विस्तार की आड़तियों में क्षेत्र के किसानों ने की सरकार से मांग। अनाज मंडी रादौर के अधीन आने वाले जठाना सब यार्ड में हर वर्ष बढ़ती आवक से मंडी का क्षेत्रफल कम पड़ रहा है, जिससे किसानों व आड़तियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीजन के समय सब यार्ड मंडी में किसानों को फसल डालने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, तो वहीं फसल में नमी होने के कारण धान सुखाने की जगह भी नहीं रहती, जिससे किसानों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। जठाना मंडी के आड़ती सुदेश राणा ने रविवार को बताया कि कई दशक पहले जब जठाना सब यार्ड मंडी बनी थी, तब किसानों की फसलों की पैदावार काफी कम थी और मंडी में आराम से काम चल जाता था, लेकिन अब पैदावार कई गुना अधिक होने से मंडी छोटी पड़ गई है, जिससे किसानों का माल सुचारू रूप से तैयार नहीं हो पाता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार अनाज की ट्राली अंदर नहीं आ पाती और ढेरी पर ढेरी चढ़ जाने से किसानों व आड़तियों में झगड़े तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग करते कहा कि गुमतला व जठाना दोनों सब यार्डों को एक कर एक बड़ी मंडी बनाई जाए, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों को सुविधा मिलेगी व क्षेत्र में सेलर साबित होने से क्षेत्र का विकास भी होगा। बहुत गंभीर समस्या है इस अनाज मंडी में। हमारी ये जब ये मंडी बनी थी 20-30 साल पहले, उस टाइम माल जो है मंडी में बहुत कम आया करता था। अब किसानों की पैदावार कई गुना बढ़ गई है। यहाँ मंडी कम से कम 15 एकड़ में हो जब यहाँ गुजारा हुआ, और ये है कुल 2 एकड़ में। यहाँ किसानों का माल सुचारू रूप से तैयार नहीं हो पाता, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार ट्रालियाँ अंदर नहीं बढ़ सकती, अच्छा डेयरी साफ नहीं हो पाती, डेयरी के ऊपर डेयरी चढ़ जा, किसानों में आपस में कई बार झगड़ा होता है, आड़ती भी आपस में कई बार झगड़ते हैं, अभी तूने यहाँ कर दिया वहाँ कर दिया, ये बड़ी तगड़ी समस्या है। और हमारी सरकार से अनुरोध है कि जठलाना और गुमथला रादौर के सर्व स्टेशन है, यदि इन दोनों की एक मंडी बनाई दी जाए। रादौर के छोटावास में नशा रोको अभियान के तहत हुआ पंचायत का आयोजन। शिव मंदिर छोटावास में रविवार को नशा रोको अभियान के तहत एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इंसो चेयरमैन अजय राव व साहिल आर्य ने की। बैठक में गणमान्य व्यक्तियों ने नशे के विरुद्ध अभियान में एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में नशे जैसे गंभीर समस्या को फैलने से रोका जा सके। इस मौके पर अजय राव ने कहा कि नशा सभी बुराइयों की जड़ है, नशे से आज घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर युवा वर्ग आज नशे की लत में ज्यादा पड़ गया है, जो कि देश व समाज के लिए खतरनाक है। ऐसे में सभी के प्रयास से ही नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है। रादौर के गांव दामला में स्वच्छता विचार गोष्ठी पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। रादौर के गांव दामला में रविवार को स्वच्छता विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ऋषि बाल सैनी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर कार्यक्रम में संबोधित करते हुए वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कहा कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन लंबे समय तक भी नष्ट नहीं होता, जिससे वह भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। वहीं खाद्य सामग्री को पॉलीथीन में डालने से यह कई गंभीर बीमारियों को न्योता देता है। वहीं कार्यक्रम में हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने कहा कि कोई भी अभियान सामूहिक प्रयास के बिना सफल नहीं हो सकता, इसलिए हमें पॉलीथीन के इस्तेमाल से बचना चाहिए।